एक ऐसा मंदिर जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया था। क्या सच में इस मंदिर के निर्माण के लिए भगवान शिव ने भूतों को दिया था आदेश? आखिर क्यों ये मंदिर बना हुआ है आधा अधूरा? आखिर क्यों भूतों ने नहीं बनाया इसे पूरा? आखिर बिना चूना और गारे से कैसे बना ये मंदिर? आखिर क्यों बड़े से बड़े आंधी तूफान के आने से भी नहीं गिरता ये मंदिर? ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर अपने इन रहस्यों से कर देता है सबको हैरान। आखिर क्यों नहीं रुकता कोई भी रात के समय इस स्थान पर? कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज भी दबे हुए हैं इन पत्थरों के बीच। आखिर कौन सा है ये मंदिर, कहां पर स्थित है ये मंदिर, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भगवान शिव को सभी प्रिय है, इसलिए उनके विवाह में मनुष्य से लेकर भूत प्रेत सभी शामिल हुए थे। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि भूतों ने इस शिव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेश से ही किया था। भूतों का मंदिर तथा ककनमठ शिव मंदिर के नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित है। ककनमठ मंदिर से जुड़ी हुई अलग अलग कहानी है। कोई कहता है कि ककनमठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। माना जाता है कि रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आसपास भगवान शिव का मंदिर न होने से रानी को भगवान शिव की उपासना करने में बहुत ही मुश्किल होती थी, इसलिए राजा ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए ककनमठ मंदिर का नाम रानी ककनावती के नाम से पड़ा। वहीं कुछ लोग इस मंदिर को भूतों द्वारा स्थापित मानते हैं। हजार साल पुराने मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण भूतों ने केवल एक ही दिन में किया था। इसके बाद सुबह होते ही भूत इस मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर भाग गए। इसलिए यह मंदिर बिना चूने गारे से बना हुआ है, जिसके पत्थर आज भी हवा में लटके हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इस मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि यह अभी गिर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर को हिला नहीं पाए। साथ ही मंदिर के आसपास गिरे पत्थरों को जब कोई पर्यटक या कोई भी व्यक्ति अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है तो यह मंदिर हिलने लगता है। यह देख पत्थर उठाने वाला व्यक्ति भय से पत्थर को वहीं पर छोड़ देता है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं नहीं मिलते। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का निरीक्षण किया तो वे भी हैरान थे कि आखिर बिना गारे और चूने से इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। साथ ही ये मंदिर हजारों साल से जस का तस अपने स्थान पर खड़ा है। हालांकि इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस मंदिर का निर्माण अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। पर्यटक भी अगर इस मंदिर को देखते हैं तो वे भी मंदिर को देख दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इन दोनों कहानी में कौन सी कहानी अधिक सत्य है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।